नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पीएफ के बारे में। जी हां दोस्तों, जैसे कि अगर आपने थंबनेल पे देखा है कि क्या आपके अकाउंट के अंदर जो पीएफ का अकाउंट है उसके अंदर पैसे आए हैं या नहीं आए हैं और किस तरीके से आप उस बैलेंस को चेक कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा तीन तरीके जहां से आप अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकते हैं। एसएमएस किस तरीके से कर सकते हैं आप, यहां पे मिस कॉल के थ्रू किस तरीके से चेक कर सकते हैं अपना पीएफ बैलेंस, या फिर ऑनलाइन या उमंग ऐप से किस तरीके से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको मिलेंगी इसी वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर पीएफ को आप एक अच्छा विकल्प मानते हैं तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि की ओर से 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे खाते हैं जहां पे 8.60% की प्रतिशत से अकाउंट में किए गए हैं ब्याज के ट्रांसफर, जो कि हुआ है इस दिवाली के मौके पे। और दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो भी आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको तकरीबन 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप बड़ी ही आसानी से अपने पीएफ अकाउंट का पैसा कर सकेंगे चेक। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसएमएस के थ्रू आप अपना बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड क्विक प्रोसेस है, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ के अंदर कितना पैसा अभी तक जमा हो चुका है और क्या ब्याज दरें आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर की गई है या नहीं। दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा EPFOHO स्पेस छोड़ के UNA स्पेस छोड़ के जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो HIN लिखना होगा, इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल हैं तो आपको ENG लिखना होगा और उसे भेज देना होगा दिए हुए नंबर। इस पे आप SMS करेंगे, विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स ही आपको SMS के थ्रू रिप्लाई आ जाएगा कि आपके PF अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगर आप मिस कॉल के माध्यम से अगर आप अपना पीएफ चेक करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होगा और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए आपके UAN अकाउंट के अंदर, तभी आप इन सर्विसेज का फायदा उठा पाएंगे। आपको मिस्ड कॉल देनी होगी दोस्तों 0111-2920-1406 के ऊपर, जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको पॉपअप हो रहा है। इस नंबर पे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको एक मिस्ड कॉल देनी होगी और वहां पे आपको एक एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। और दोस्तों, अगर आप इसको देखना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर के, तो वहां पे आपको जाना होगा ईपीएफओ की वेबसाइट के ऊपर। ईपीएफओ की वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा पासबुक का, पासबुक पे जाकर के क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, अपना कंज्यूमर आईडी डालेंगे, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है, जो भी आपको एक नंबर मिला है यूएन नंबर, और वहां पे कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने सारी की सारी डिटेल्स निकल के आ जाएगी आपकी पासबुक की। इसके अलावा दोस्तों, आप उमंग ऐप के थ्रू भी अपना बैलेंस जान सकते हैं। उमंग ऐप के थ्रू अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल एंड क्वाइट एन इजी प्रोसेस है, जो कि सिर्फ करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उमंग एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाकर के उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे आपको करना होगा साइन अप, और साइन अप करने के बाद आपको पासबुक पे क्लिक करना है, और पासबुक पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास आपका पूरा बैलेंस देखने को मिल जाएगा कि आपके पीएफ के अंदर कितना बैलेंस एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको आया होगा बहुत ही ज्यादा पसंद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।